हेलो गाइस, दिस नवनीत महंत, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं आम के मेजर इंसेक्ट पेस्ट और उनके मैनेजमेंट के बारे में। गाइस, मैंगो जो है इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट फ्रूट क्रॉप में से एक है। मैंगो जो है इसकी खेती पूरे भारत में की जाती है। इसके कुछ वाइल्ड वेराइटीज़ भी हैं, वाइल्ड स्पीसीज भी हैं जिनको खाया जाता है, जिसको फीड किया जाता है। गाइस, आम बहुत ही फेमस फ्रूट है जो कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसको कंज्यूम किया जाता है, और इंडिया पूरे वर्ल्ड में आम का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। गाइस, आम जो है ये बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट से अफेक्ट होता है, बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट इन पे अटैक करते हैं, जिनमें से मेन जो इंसेक्ट हैं वो है मैंगो हॉपर, मिली बग, फ्रूट फ्लाई, स्टेम बोरर, स्टोन वीविल, लीफ वेबर, इनफ्लोरेसेंस मिज, रेड एंट, स्केल इंसेक्ट, सूट वेबर, टर्माइट, थ्रिप्स एट्सेट्रा। ये सारे के सारे जो इंसेक्ट पेस्ट हैं ये सभी मैंगो के क्रॉप को डैमेज करते हैं। गाइस, हम सबसे पहले बात करते हैं मैंगो हॉपर की। मैंगो हॉपर ऑडियोस्कोपस स्पीसीज के इंसेक्ट्स होते हैं जो कि ऑर्डर हेमिप्टेरा के मेंबर हैं। ये इंसेक्ट सकिंग पेस्ट होते हैं जो कि प्लांट के टेंडर पार्ट से, ग्रोइंग शूट से या डेवलपिंग फ्रूट से सेल सैप को शक करके उसको नुकसान पहुंचाते हैं। नेम्फ एंड एडल्ट ऑफ ऑडियोस्कोपस स्पीसीज शक शेप फ्रॉम ट्विग्स। ये ट्विग्स से सेल सैप को शक करते हैं। इनफ्लोरेसेंस से, टेंडर लीफ से और फ्रूट से भी ये सेल सैप को शक करते हैं। अफेक्टेड प्लांट टिश्यू टर्न्स ब्राउन, मे डिफॉर्म एंड ड्राई अप। इनके द्वारा सेल सैप को शक कर लेने को ऐसे जो इन्फेक्टेड पार्ट होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं और मुरझा के सूख जाते हैं। इनका जो डैमेजिंग सिम्टम्स है ये हॉपर बर्न के रूप में दिखाई देता है, जला हुआ या झुलसा हुआ। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, एडल्ट इंसेक्ट ले एग ऑन फ्लावर बर्ड्स एंड इन्फ्लोरेसेंस स्टॉक, जो इन्फ्लोरेसेंस स्टॉक्स होते हैं, फ्लावर बर्ड्स होते हैं, वहीं पे जो एडल्ट फीमेल होती हैं वो अंडे देती हैं जिससे निम्फ बाहर निकलते हैं। इनमें इनकम्प्लीट मेटामोफोसिस होता है, इसलिए इनमें एक से निम्फ निकलते हैं और निम्फ निकलते ही प्लांट के टेंडर पार्ट से सेल सैप को शक करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप जो है फ्लावर्स मैच्योरिटी से पहले ही झड़ जाते हैं और फ्रूटिंग अगर होता भी है तो फ्रूट भी मैच्योर होने से पहले ही प्लांट से गिर जाते हैं। हैवी पंक्चरिंग एंड कंटिन्यूस ड्रेनिंग ऑफ द सेप कॉजिंग कर्लिंग एंड ड्राइंग ऑफ द इन्फेस्टेड टिश्यू। इन्फेस्टेड टिश्यू जो है इनके द्वारा इफेक्ट किए जाने पे कर्ल हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। इनका एक सीजन में, एक ग्रोइंग सीजन में लगभग 3 से 4 जनरेशन तक कंप्लीट हो सकते हैं। 3 to 4 जनरेशन कंप्लीटेड इन अ ग्रोइंग सीजन विद अ पॉपुलेशन बिल्ड अप इन फरवरी टू अप्रैल एंड जून टू अगस्त। ये एक सीजन में 3 से 4 जनरेशन तक कंप्लीट कर लेते हैं। हॉपर सेटलर्स इन द क्रेक्स एंड क्रेवाइसेस ऑफ द बार्क और अंडर साइड्स द लीव्स ऑफ द ट्री ड्यूरिंग द ऑफ सीजन। ऑफ सीजन में ये ट्री के बार्क में छुपे हुए होते हैं, पेड़ के बार्क में उसके छाल के नीचे छुपे हुए होते हैं। ये सीजनल पेस्ट होते हैं जो कि फरवरी से अप्रैल के बीच में ही दिखाई देते हैं और कभी कभी जून से अगस्त के बीच में भी दिखाई देने लगते हैं। अन्य समय में ये कीट दिखाई नहीं देते।
इनके द्वारा चूंकि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये हनी ड्यू सीक्रेट करते हैं, इस वजह से सूटी मोल्ड फॉर्मेशन होता है। सूटी मोल्ड फॉर्मेशन ऑन मैंगो लीव्स ड्यू टू मैंगो हॉपर इन्फेस्टेशन अ सेकेंडरी सिम्टम। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं सूटी मोल्ड सिम्टम्स देखने को मिलता है इसी इंसेक्ट्स की वजह से, और सूटी मोल्ड होने से बहुत सारे फंगस को ये अट्रैक्ट भी करते हैं, बहुत सारे फंगल डिसीज सूटी मोल्ड के कारण होने लगते हैं। गाइस कंट्रोल मेजर की अगर हम बात करते हैं तो हमें प्रूनिंग करनी चाहिए, प्रूनिंग ऑफ डेंस ऑर्चर्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर। नवंबर दिसंबर के महीने में हमें प्रूनिंग करनी चाहिए, जो डेंस ऑर्चर्ड हैं बहुत ही घने जो होते हैं उसको प्रूनिंग करनी चाहिए। उसके अलावा ऑर्चर्ड सैनिटेशन, साफ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि पुराने पेड़ों के बार्क में, तने में और पत्तियों, गिरे हुए पत्तियों के नीचे ये जो इंसेक्ट्स होते हैं छुपे हुए होते हैं, इसलिए ऑर्चर्ड की, बगीचे की साफ सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है। कीप द नर्सरी एरिया क्लीन, नर्सरी एरिया भी हमें क्लीन रखनी चाहिए, जहाँ पे वीड्स और ग्रासेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि वीड्स और ग्रासेस पे ये अल्टरनेट होस्ट के रूप में रह सकते हैं। रिमूवल ऑफ वीड्स एंड अल्टरनेट होस्ट लाइक हिबिस्कस, कस्टर्ड एप्पल, गुआवा एट्सेट्रा, ये सारे के सारे अल्टरनेट होस्ट होते हैं, इनको नष्ट कर देना चाहिए। एवॉइड डेंस प्लांटिंग, क्योंकि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा फ्लाई नहीं होते, बहुत ज़्यादा फ्लाई नहीं करते, इसीलिए ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इन कंट्रोल के लिए हमें प्लांटिंग दूर दूर करनी चाहिए, ताकि इनके ट्रांसमिशन को रोका जा सके। नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का हमें बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र यूज़ करने से वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि प्लांट सॉफ्ट हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, इस वजह से नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना चाहिए। समय समय पे ऑर्चर्ड में धुएँ धुआं छोड़ना चाहिए, गोबर का, काउ डक केक का हमें धुआं करना चाहिए, जिससे कि इंसेक्ट्स भाग सकें। कुछ बायो कंट्रोल एजेंट्स जस्ट लाइक मेटराइजियम एनिसोप एनिसोपिली, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, या बिवेरिया बेसियाना का सस्पेंशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड्स भी होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक बुप्रोफेजिन, डेल्टा मैथ्रिन, डाईमेथोएट एट्सेट्रा, ये सारे के सारे जो केमिकल्स हैं स्क्रीन पे दिए हुए हैं विथ डोज, हम इनको, इन डोजों में इसको यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट इफेक्टिव जो अभी मार्केट में अवेलेबल है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो है लैम्डा साई हेलोथिन 5% EC, 0.5 to 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर की दर से इसको यूज़ किए जा सकते हैं। इसमें से और कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट इज मैंगो मीली बग। मैंगो मीली बग इज ऑल्सो सकिंग पेस्ट विच बिलोंग टू ऑर्डर हेमिप्टेरा। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनमें भी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, एक से निकले हुए जो निम्फ होते हैं डायरेक्ट प्लांट के टेंडर पार्ट से सेप को सक करना स्टार्ट करते हैं। निम्फ एंड एडल्ट सक द प्लांट सेप एंड रिड्यूस द विगर ऑफ द प्लांट। इनके द्वारा सेल सेप सक कर लेने की वजह से, प्लांट से सेप सक कर लेने की वजह से प्लांट की जो उपज क्षमता है, उत्पादकता है, वो पूरी तरह से कम हो जाती है। स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरह से दिखाई देते हैं, और स्केल इंसेक्ट्स जो है मीली बग, ये प्लांट में किस तरह से अटैक करते हैं। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं हनी ड्यू सीक्रेट करते हैं, एक्सक्रीटा के रूप में हनी ड्यू सीक्रेट करते हैं, जिनके वजह से सूटी मोल्ड फॉर्मेशन होता है। सूटी मोल्ड फॉर्मेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सूटी मोल्ड फॉर्मेशन ऑन मैंगोज ड्यू टू मीली बग इन्फेस्टेशन। मीली बग का लाइफ साइकिल जो है
लगभग 30 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। इनमें एक डाइपॉज पाया जाता है जो कि नॉर्मली इनका एक का हैचिंग 2 से 3 दिन में हो जाता है, और इनका जो पूरी लाइफ साइकिल है लगभग 30 दिन में कंप्लीट हो जाती है। कभी कभी इनकी जो लाइफ साइकिल है 15 से 20 दिन में भी कंप्लीट हो जाती है, बट अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशन इनकी लाइफ साइकिल लगभग 30 दिन तक भी चल सकती है। ये पूरी तरह से विंगलेस इंसेक्ट्स होते हैं जो कि नहीं उड़ सकते, उड़ने में असमर्थ होते हैं। नेचर ऑफ इन्फेस्टेशन, ये किस प्रकार से इन्फेस्ट करते हैं। फीमेल एडल्ट मिलीबग क्राउज डाउन द ट्री इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू मई एंड एंटर इन द क्रेक्स ऑफ द सॉयल फॉर लेइंग एग्स। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये सॉयल में अंडे देते हैं, ऊपर से पौधे से गिर जाते हैं, नीचे लुढ़क के गिर जाते हैं और ज़मीन के दरारों में घुस के वहाँ अंडे देते हैं। और हैचिंग के जस्ट बाद जो न्यूली हैच लार्वे होते हैं, पिंकिश ब्राउन पिंक कलर के जो लार्वे होते हैं, जो निम्फ होते हैं, न्यूली हैच्ड जो निम्फ होते हैं, वो धीरे धीरे पौधों पे रेंग के चढ़ने लगते हैं। आफ्टर क्लाइंबिंग अप द ट्री दे स्टार्ट सकिंग द सैप ऑफ टेंडर प्लांट पार्ट से, जो है ऊपर चढ़ने के बाद में प्लांट के टेंडर पार्ट से सेल सैप को सक करना स्टार्ट करते हैं। ओनली निम्फ एंड फीमेल मिली बग्स आर हार्मफुल एज दे सक प्लांट सेप, मेल डू नॉट ईट एनीथिंग। एडल्ट होने के पश्चात जो है मेल किसी प्रकार के भोजन करने में असमर्थ होते हैं। दे आर कंसिडर्ड मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे इन्फेस्ट द क्रॉप ड्यूरिंग द फ्लावरिंग सीजन। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं मिली बग मेजर पेस्ट के रूप में इनको जाना जाता है। ये फ्लावरिंग समय में इन प्लांट्स को बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं। इनके कंट्रोल के लिए सबसे पहले फ्लडिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ज़मीन में अंडे देते हैं, मिट्टी में फ्लडिंग करने से इनके अंडे नष्ट हो सकते हैं। प्लोइंग ऑफ ऑर्चर्ड इन नवंबर एंड रैंकिंग ऑफ सॉयल अराउंड ट्री ट्रंक हेल्प टू एक्सपोज द एग टू नेचुरल इनवीज एंड शन। रिमूवल ऑफ वीड्स विच कैन बी एक्ट एज अल्टरनेट होस्ट ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट। फास्टनिंग ऑफ एल्केथिन सीट, एल्केथिन सीट 400 गेज की जो पोलिथीन सीट होती है उसको पौधों के तनों पे, जो मैंगो ट्री है उसके तने पे नीचे ज़मीन से 1 मीटर ऊपर लपेट दिया जाता है, या फिर ग्रीस का बैंड लगा दिया जाता है ताकि जो इंसेक्ट है निम्फ हैं वो नीचे ज़मीन से प्लांट के ऊपर टेंडर पार्ट तक ना पहुंच सके। ग्रीस बैंड ऑफ 25 सेंटीमीटर वाइड आफ्टर मड एंड प्लास्टरिंग ऑफ ट्रंक 30 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। हम 30 सेंटीमीटर ग्राउंड लेवल से 30 सेंटीमीटर ऊपर लगभग 25 सेंटीमीटर चौड़ा ग्रीस बैंड भी हम लगा सकते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेस्टेड फॉलन लीव्स, पत्तियों में जो गिरे हुए इन्फेस्टेड लीव्स होते हैं उनमें इस इंसेक्ट्स के निम्फ और एडल्ट होते हैं, उन्हें एकत्र कर नष्ट कर देना चाहिए, जला देना चाहिए। देख सकते हैं किस प्रकार से जो मिली बग है प्लांट को अफेक्ट करता है और उसके मैनेजमेंट के लिए किस तरह से एल्केथिन सीट, पॉलिथिन सीट या फिर ग्रीस का बैंड लगाया जाता है तने पे। नेक्स्ट इंसेक्ट इज इनफ्लोरेसेंस मिज। इनफ्लोरेसेंस मिज इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट एंड मेजर पेस्ट ऑफ मैंगो। द मिज इन्फेस्ट एंड डैमेज द क्रॉप इन 3 डिफरेंट स्टेजेस। फर्स्ट अटैक इज एट द फ्लोरल बड बस्ट स्टेज, जब फ्लोरल बर्ड्स फ्लावरिंग स्टेज जो होता है, फ्लावर बर्ड्स जब खिल रहे होते हैं फूल, उस समय में इंसेक्ट अटैक करते हैं। द एग्स आर एड ऑन न्यूली एमर्जिंग इनफ्लोरेसेंस,
द लार्वी टनल द एक्सिस एंड दस डिस्ट्रॉय द इन्फ्लोरेसेंस कम्प्लीटली। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इन्फ्लोरेसेंस मीन्स ये फ्लावर बेड के ऊपरी हिस्से पे अंडे देते हैं, और न्यूली हेड जो लार्वी होते हैं वो मीज के सॉरी फ्लावर बेड के अंदर एंटर करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। व्हेन द टेंडर फ्रूट्स आर अटैक्ड इन सेकेंड टर्म दे स्लोली टर्न्स येलो एंड फाइनली ड्रॉप। मैच्योरिटी से पहले ही फ्रूट ड्रॉप हो जाते हैं। इनके कंट्रोल के लिए इज द लार्वा प्यूपेट इन सॉयल प्लोइंग ऑफ द ऑर्चर्ड एक्सपोज प्यूपेटिंग लार्वी टू सन हेल्प्स इन किलिंग देम। स्प्रेइंग ऑफ 0.05% फेनेट्रोथियन और 0.045% डाइमेथोएट एट द बर्ड बस्ट स्टेज ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस इज इफेक्टिव। बर्ड बस्ट स्टेज में इन केमिकल्स का यूज़ करना इफेक्टिव हो सकता है। ये डायग्राम है इन्फ्लोरेसेंस बीज का, जो फ्लावर्स पे इन्फ्लोरेसेंस पे किस तरह से फीड करते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट इज मैंगो फ्रूट फ्लाई। मैंगो फ्रूट फ्लाई बहुत ही मेजर पेस्ट है जो कि हर प्रकार के मैंगो को डैमेज कर सकते हैं। ये मैंगो को सिर्फ प्लांट में ही नहीं बल्कि स्टोरेज में भी डैमेज कर सकते हैं। द फीमेल पंक्चर्स द आउटर वॉल ऑफ द मैच्योर फ्रूट विथ इट्स पॉइंटेड ओविपोस्टर। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं अपने ओविपोस्टर की मदद से मैंगो के जो आउटर लेयर होता है आउटर वॉल उसके अंदर अपने अंडे छोड़ते हैं। ये इंसेक्ट्स ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा के होते हैं जो कि किसी प्रकार के सॉरी ये ऑर्डर डिप्टेरा के मेंबर होते हैं जो कि किसी प्रकार के फ्रूट को डैमेज कर सकते हैं। आफ्टर हैचिंग द लार्वी फीड ऑन द पल्प ऑफ फ्रूट विच अपीयर्स नॉर्मल फ्रॉम आउटसाइड। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये बहुत ही नुकीले ओविपोस्टर की मदद से अपने अंडे फ्रूट्स के अंदर छोड़ते हैं, और हैचिंग होने के पश्चात लार्वी जो है पल्प को खाना स्टार्ट करते हैं। ये जो इन्फेक्टेड फ्रूट्स होते हैं बाहर से हेल्दी दिखाई देते हैं बट इंटरनली ये पूरी तरह से इन इंसेक्ट्स के लार्वों के द्वारा नष्ट किए जा चुके होते हैं। द एमरजेंस ऑफ फ्रूट फ्लाई स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड एंड द मैक्सिमम पॉपुलेशन इज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग मई टू जुलाई विच कॉन्साइड्स विथ फ्रूट मैच्योरिटी। देन कंट्रोल मेजर्स फॉर मैंगो फ्रूट फ्लाई। सबसे पहले तो हमें इसके लिए रेजिस्टेंस वैराइटीज़ या फिर टॉलरेंस वैराइटीज़ का यूज़ करनी चाहिए। फॉलन फ्रूट जो ऊपर से गिरे हुए जो फ्रूट होते हैं पेड़ से गिरे हुए उन्हें नष्ट कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। समय समय पे खेत की जुताई करनी चाहिए समर प्लोइंग, और बीच बीच में खेत की जुताई करनी चाहिए और चर्ट की जुताई करते रहनी चाहिए, क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं ये अर्दिन प्यूपा बनाते हैं, इसलिए जुताई करने से इनके प्यूपा एक्सपोज हो जाते हैं सन में या फिर प्रीडेटर्स के लिए। फिजिकल कंट्रोल इनके लिए अपना सकते हैं हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन नेचुरल फ्रूट 848+1°C फॉर 4 to 5 मिनट। मैकेनिकल कंट्रोल भी अपनाए जा सकते हैं कुछ जस्ट लाइक कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द एडल्ट फ्लाइज थ्रू फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप का यूज़ करके हम इनको इनके एडल्ट को नष्ट कर सकते हैं। कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड्स का भी यूज़ किए जा सकते हैं जस्ट लाइक फेंथियोन मेलाथियोन डायमेथोएट कार्बरिल एट्सेट्रा जो स्क्रीन पे कुछ इंसेक्टिसाइड्स के एग्जांपल दिए हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट इज मैंगो सीड और स्टेम वीविल। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं और कोलियोप्टेरा के मेंबर होते हैं, ये पॉलीफेगस ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ओलिगोफेगस नेचर के होते हैं
इट इज़ अ कॉमन पेस्ट ऑफ मैंगो इन साउथर्न इंडिया वेराइटीज विथ हाई TSS एंड शुगर सच एज अल्फांसो बैंगलोर नीलम एट्सेट्रा आर मोर प्रोन टू अटैक बाय दिस पेस्ट। जो अधिक TSS और अधिक शुगर वाले कंटेंट वाले जो मैंगो वेराइटीज़ होते हैं उनमें ये इंसेक्ट्स ज़्यादा अटैक करते हैं। फीमेल ले एग्स अंडर द रिंग ऑफ राइपनिंग फ्रूट्स न्यूली एमर्ज ग्रब बोर थ्रू द पल्प फीड ऑन सीड कोट एंड लेटर कॉज डैमेज टू कॉटिलीडन्स। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके जो लार्वी होते हैं ग्रब होते हैं वो सीड कोट को खाना स्टार्ट करते हैं और एंटर कर जाते हैं अंदर में जहाँ पे वो कॉटिलीडन्स को भी नष्ट करना स्टार्ट करते हैं। फीमेल ले एग्स अंडर द सॉरी द पल्प एडजेसेंट टू द अफेक्टेड स्टोन इज सीन डिसकलर्ड व्हेन द फ्रूट इज कट ओपन। जब हम फल काटते हैं तो इस इंसेक्ट्स के द्वारा अफेक्टेड जो फ्रूट होते हैं उसके स्टोन उनके जो बीज होते हैं सीड वो डिसकलर्ड अलग से दिखाई देते हैं। इनके कंट्रोल के लिए जो गिरे हुए फ्रूट्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देने चाहिए, उन्हें कलेक्ट कर डिस्ट्रॉय कर देने चाहिए। फेरोमोन ट्रैप का यूज़ करके इनके एडल्ट को कलेक्ट करके मैनुअली भी मारा जा सकता है। इनमें अर्दिन प्यूपा ये जो इंसेक्ट्स होते हैं फॉलन फ्रूट के अंदर ही प्यूपेशन में जाते हैं, इसलिए जो प्लोइंग कर देनी चाहिए समय समय पर प्लोइंग करनी चाहिए और जो गिरे हुए फ्रूट्स होते हैं उन्हें नष्ट कर देनी चाहिए। कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड्स का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि स्क्रीन पे दिए हुए हैं, जस्ट लाइक डायमेथोएट फैंथियन कार्बरिल एसिफेट क्लोरपाइरीफॉस एटसेट्रा। गाइस नेक्स्ट इंसेक्ट इज मैंगो स्टेम बोरर। मैंगो स्टेम बोरर ऑर्डर कोलियोप्टेरा के मेंबर होते हैं। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये पॉलीफेगस नेचर के होते हैं जो कि किसी प्रकार के हार्ड वुड ट्री को बोर कर सकते हैं। मैंगो के अलावा ये इंसेक्ट सिट्रस पपाया केसियो टीक शोरिया एटसेट्रा प्लांट पे अटैक कर सकते हैं। द ग्रब फीड बाय टनलिंग द बार्क ऑफ ब्रांचेस एंड मेन स्टेम शेडिंग ऑफ द लीव्स एंड ड्राइंग ऑफ टर्मिनल शूट्स टेक्स प्लेस इन अर्ली स्टेज ऑफ अटैक व्हाइल डैमेज टू मेन स्टेम कॉज ट्री डेथ। बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होने पे पूरा पूरा का पूरा पेड़ मर जाता है। किसी एक स्टेम में इनका अटैक होने पे वो जो स्टेम होता है अफेक्टेड स्टेम वो सूख जाता है और मर जाता है। मैंगो स्टेम बोरर के मैनेजमेंट के लिए हमें टॉलरेंट वेराइटीज़ का यूज़ करना चाहिए, जस्ट लाइक नीलम या हुमायूदीन। रिमूव द डिस्ट्रॉय डेड एंड सीवियरली अफेक्टेड ब्रांचेस ऑफ द ट्री। जिन ब्रांचेस में ज़्यादा अफेक्ट होता है उन ब्रांचेस को निकाल के फेंक देना चाहिए, काट के जला देनी चाहिए। रिमूव द अल्टरनेट होस्ट लाइक मोरिंगा सिल्क कॉटन गुआवा सिट्रस पपाया टीक एट्सेट्रा। ये जो हैं इनके अल्टरनेट होस्ट होते हैं इन्हें नष्ट कर देना चाहिए। यूज़ ऑफ नीडल और लॉन्ग वायर टू पुल आउट द ग्रब फ्रॉम द बोर होल। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके द्वारा बोर होल जो किए जाते हैं उसके अंदर ग्रब होता है जिन्हें हम नीडल या वायर की सहायता से मार सकते हैं, उन्हें मैनुअली निकाल सकते हैं। उसके अलावा हम उसमें स्वैब कोल टार प्लस केरोसिन एट द रेट ऑफ 1:2 और कार्बोरिल 50 WP 20 g/L बेसल पोर्शन ऑफ द ट्रंक 3 feet हाइट आफ्टर स्क्रैबिंग द लूज बार्क टू प्रिवेंट ऑयल पोल्यूशन बाय एडल्ट बीटल। जो नीचे का ट्रंक ट्री ट्रंक के 3 feet नीचे जमीन से 3 feet छोड़ के ऊपर हमें 25 सेंटीमीटर बार्क को निकाल के
उन्हें इस प्रकार से कोल टार केरोसिन को 1:2 के रेशियो में घोल बना के उनका लेप लगाना चाहिए, जिससे इस इंसेक्ट्स का ओई पोजिशन ब्लॉक हो सके, ये इंसेक्ट वहाँ पे अंडे ना दे सकें। गाइस ये इन्फेक्टेड मैंगो स्टेम है जो कि मैंगो स्टेम बोरर के द्वारा अफेक्ट किया गया है। ये इन्फेक्टेड जो प्लांट पार्ट्स होते हैं पूरी तरह से मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट इज मैंगो फ्रूट बोरर। मैंगो फ्रूट बोरर के द्वारा इन अफेक्टेड जो फ्रूट होते हैं वो ही मैच्योरिटी से पहले नष्ट गिर जाते हैं। ये भी मैंगो के बहुत ही मेजर पेस्ट हैं जो कि इंडिया में हर जगह जहाँ भी मैंगो की खेती होती है वहाँ पाए जाते हैं। ये इंसेक्ट्स ऑर्डर लेप्टोप्टेरा के मेंबर होते हैं। इनके मैनेजमेंट के लिए हमें गिरे हुए जो फ्रूट्स होते हैं या अफेक्टेड फ्रूट्स होते हैं उन्हें कलेक्ट करके नष्ट कर देना चाहिए। कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड डेड वुड आफ्टर फ्रूट हार्वेस्टिंग, डिस्ट्रॉय ऑल फॉलन फ्रूट, स्प्रे फेंथियन 0.1% एट मार्बल साइज ऑनवर्ड एंड रिपीट विथ डेल्टा मैथिन 28 EC एट द रेट ऑफ 1 ml पर लीटर। हमें कभी भी फ्रूटिंग के समय हार्वेस्टिंग के 15 दिन पहले तक हमें किसी प्रकार से कोई भी केमिकल का स्प्रे नहीं करना चाहिए। गाइस दिस इन्फेक्टेड फ्रूट बाय मैंगो फ्रूट बोरर। गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।